प्रोडक्ट भी ओपन हो गई है, एक गिम्बल अपने सेट कर लिए, दूसरा सेट करना है। तो अली भाई कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आएगा आज। लाल जुकाम और बस। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? आज क्या है जी हमारा न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जी मुल्तान, मैं और जुबैर अली भाई के पास। वहाँ पर हमने कुछ वीडियो शूट करनी है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आई हुई है ये स्पेशल चाइना से, इसकी हमने वीडियो बनानी है, शूट करनी है गाड़ी के ऊपर लगा के। इसके लिए जो है काफ़ी सारा सामान भी साथ लेके जा रहे हैं, तो आज आपको मुकम्मल व्लॉग दिखाना है किस तरह हमने जो है इसकी वीडियो शूट करनी है इस प्रोडक्ट की, और उसके बाद हम अली भाई से भी जाके आपको मिलवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारी रेडी है, ये बॉक्स में सामान है, इस बैग में सामान है, इस बैग में सारे कैमरे हैं हमारे, कैमरा गियर सारा इसमें है, और दो चीज़ें ये लेके जानी है, एक जो है गिम्बल हमारा साथ जाएगा क्योंकि स्पेशल गिम्बल के लिए प्रोडक्ट है, और बाकी सारा सामान जो है मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों बाहर आ चुका है जी जुबैर, तो अब हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है जी जुबैर, और हम जा रहे हैं मुल्तान अपने फटपटिया पे। तो इस फटपटिया पे जाएंगे, सारा सामान को पैक करते हैं, फिर निकलते हैं। अभी तो लीजिए जी, हमने सामान रख लिया, अपना गिम्बल रख लिया मोजा का, जुबैर भी रेडी है, और अब हम जा रहे हैं जी मुल्तान। मुल्तान जाके आपको अली भाई से मिलवाएंगे, यासिर से मिलवाएंगे अली भाई का, हो सका तो स्टूडियो भी दिखा देंगे अगर स्टूडियो में अगर हम गए, वरना अगर घर वाली साइड में गए तो फिर वहाँ जाकर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी मुल्तान जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कुछ टाइम लैप्स भी देखने को मिलेंगे ऐसा ऐसा, और धूप आ रही है मेरे चेहरे पे तो मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। तो लीजिए जी, फिर हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो ये भाई हमें रास्ते में मिल गए थे, इन्होंने धक्का लगा दिया, तो अब हम पेट्रोल दिलवाएंगे। सुबह की ऐसी तैसी हो गई है, चला चला के मोटरसाइकिल बगैर इसके चल रहा है क्योंकि पेट्रोल नहीं है बीच में। तो अभी सामने पेट्रोल पम्प आने वाला है, इंशाल्लाह फिर पेट्रोल दिलवाते हैं, फिर निकलते हैं मुल्तान की तरफ। तो हर बार पता नहीं क्यों हमारे साथ इस तरह की होता है, जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमने वीडियो वगैरह शूट करनी हो या कोई काम हो, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ तेरी गंदी आदत है, देखता नहीं है। मैंने देखा था कि पेट्रोल है, लेकिन पता नहीं चला कि पेट्रोल क्यों ख़त्म हो गया एकदम। तो भाईजान का शुक्रिया, हमें लेके जा रहे हैं साथ साथ, अब जाके पेट्रोल पंप दिलवाते हैं, फिर मुल्तान आपको रास्ता दिखाते हैं। विजय जी आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, और जुबैर डलवा रहा है जी पेट्रोल, और पेट्रोल डलवा कर निकलेंगे मुल्तान की तरफ। तो टाइम हो चुका है जी 1:31, 1:30 बज गया, तो मुल्तान जाके जो है आपको दिखाएंगे और काफ़ी सारे मज़े फनी व्लॉग। तो लीजिए जी, हम पहुंच चुके हैं जी अली भाई के घर, और मैं भी साथ हूँ, साथ है जी जुबैर, और हमारी हालत ख़राब हो गई है बड़ी, क्योंकि रास्ते में थोड़ी सी मिट्टी थी, इतनी नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी थी। तो सामान भी है, मैं भी हूँ, जुबैर भी हमारे इंतज़ार में, यासिर भाई बैठे हैं, यासिर इन द हाउस। ये है जी अली भाई का बेटा, क्या हाल है आपके? और भी कौन सी वीडियो बनाने आया आज आप? भाई ये आया भी सामान, ये गाड़ी पे लगा के ना इसकी बनाएंगे। ओ कमाल, मोजा ने ये गिम्बल भेजा कैसा है? अच्छा, मजबूत गिम्बल है ये, आज लगा के हम वीडियो बना रहे हैं इसके साथ है? ये भी लगाएंगे, रोनिन भी लगेगा। अभी हम आ चुके अली भाई के घर, तो अभी अली भाई अंदर है, तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हम पानी शानी पी रहे हैं, पानी ले आया, पानी शानी पीते हैं, थोड़ी देर क्रिकेट भी खेलेंगे हम, मैच लगाएंगे पूरा। क्रिकेट बॉल शॉल तैयार है? हाँ बॉल शॉल भी तैयार है, बॉल शॉल तैयार है, बैट तो हल्का सा टूट गया उसकी खैर है। ओ कोई नहीं, वो लगा लेंगे, जोड़ लेंगे, एल्फी लगा लेंगे, एल्फी लगा के जोड़ लेंगे। तो लीजिए जी, अभी हम करने लगे हैं जी सेटिंग गाड़ी के ऊपर, और फिर आपको दिखाते हैं। यार वो चाय आ गई, चाय ले लो, चाय पी लो। है मौलवी, मैं मौलवी का रो पीट बच्चे के टेम्पर दिखा, टूटी जुत्ती दिखा, टूटी जुत्ती दिखा,
थोड़ी यार बीटीएस बनाई जा बस भाई क्या कर रहे हैं आप भाई? अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपना कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ कैमरा भाई जब चार चार कंटेंट क्रिएटर हो जाए ना तो फिर ऐसे व्लॉग बनते हैं फोनों पे फोन हेलो अल्हम्दुलिल्लाह ये रॉयल्टी जाती है जानिया ग्रुप को भाई कि मतलब पाकिस्तान में और कोई भी कवर नहीं कर रहा इस तरह के इक्विपमेंट तो बेस्ट ऑफ लक वैसा आपको भी और बास को भी। तो लीजिए जी हमारा गिम्बल हो चुका है सेट उधर अली भाई भी आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हमारे प्रोडक्ट भी ओपन हो गए एक गिम्बल अपने सेट कर लिया दूसरा सेट करना है। तो अली भाई कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मज़ा आएगा नज़ला जुकाम और बास नज़ला जुकाम और माज और जुबैर के साथ। मजे की बात ये है कि मैं एक्साइटेड इस बात करूं कि मैंने हमेशा से ना जो इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना जो कैमरा गेस्ट के हैं वो इस तरह का प्रोडक्ट कवर करते हुए देखे तो पहली बार मैं एक तो एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और इस इक्विपमेंट को यूज करते हुए भी अपना एक्सपीरियंस देख रहा हूँ तो ये सारा क्रेडिट माज को जाता है। नहीं नहीं आपकी आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने टाइम दिया आज क्योंकि टाइम बहुत कीमती चीज़ है आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं गाड़ी पीछे करता हूँ ठीक हो गया। तो यासिर अभी जो है थोड़े BTS बनाएगा बस इसका एक मसला आ तिलते हैं गिम्बल दे दिया मुझे इन्होंने गिम्बल दे दिया पता नहीं हिलेगा या नहीं हिलेगा गिम्बल दे दिया इन्होंने मुझे नहीं अभी तार की जरूरत नहीं तार की जरूरत नहीं लगा लेते हैं तार भी लग जाएगी। तो अभी जो है गाड़ी बैक हो रही है हमने इसके ऊपर जो है अपनी मशीन लगानी है मैं लगा के कम्प्लीट दिखाऊंगा आप लोगों को। ये भी बनाना सिनेमैटिक तकरीबन जो है वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हमने काफ़ी सारे सीन ले लिए और अब अली भाई जो अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं कुछ तो हमारी मशीन ने या इस रिग ने बड़ा मज़े के सीन दिए तो कुछ सीन मैं जो हूँ अपनी इस वीडियो में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग देख लें कि अगर किस तरह की हमने शूटिंग की है तो शूटिंग में मुझे तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। अभी जो है कहीं और जगह भी चलेंगे अली भाई के साथ शायद अली भाई के स्टूडियो जाएँ और इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो लीजिए जी अब हम आ चुके हैं जी अली भाई के स्टूडियो वाली साइड पर तो वो भी दिखाता हूँ मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा हूँ इसका हल्का सा सांस चढ़ेगा। तो लीजिए जी आ चुका है जी अली भाई का स्टूडियो और ये हम लोग सामान ये है जुबैर चिनियोटी यासिर मुगल मुगल हाँ जी अभी क्या कर रहे हैं और अब हम आ गए हैं अली भाई के स्टूडियो में जहाँ पर अली भाई बनाते हैं जी वीडियोस। ये है जी कंप्लीट स्टूडियो मैं आपको दिखाता हूँ ये है यासिर चिनियोटी ये है जुबैर मुगल और ये है जी पूरा कंप्लीट स्टूडियो भाई बहुत बड़ा स्टूडियो है और ये देखो लाइट जला दी गई है अब मेरा चेहरा साफ आ जाएगा आपको नजर देखो कैसा आ रहा है चेहरा कंप्लीट खूबसूरत आ रहा है चेहरा और ये है जी जुबैर ये रेलवे की तरफ से आ रहा है जुबैर वाली सरकार आपको मिलवाते हैं जुबैर वाली सरकार से है? ये जी जुबैर वाली सरकार क्या ये अली भाई ने तो लीजिए फ्रेंड्स आ चुके हैं अली भाई के स्टूडियो में ये अली भाई का स्टूडियो है और ये माज बैठे हैं ये यासिर और वो साजिद और वो अशरफ किसान नाम है उसका क्या नहीं तो ये अली भाई का स्टूडियो है ये आप देख सकते हैं ये लाइट चल रही है इधर भी लाइट चल रही है इसके अंदर और माशाल्लाह मैं देखो कितना गोरा नजर आ रहा हूँ लगाते हैं ना इसके अंदर
और ये देखे इस बंदे की आवाज बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी बोले तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा लाउड है। ये फटा ढोल दूसरा व्लॉग शुरू हो चुका है, फटा ढोल। नहीं शर्ट क्यों चेंज करनी है तो यार, भी माउंट था मेरा जेब में, तो तेरा माउंट जो है ना वो मैं यही ढूंढ जा रहा हूँ। तो लीजिए जी, काफी टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अली भाई के स्टूडियो से बाहर घर की तरफ। तो उम्मीद आज का व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना। इंशाल्लाह नई वीडियो और लेके आता रहूंगा। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।